प्लास्टिक मुक्त आगरा बनाने के लिए नगर निगम ने अभियान छेड़ रखा है। वार्ड स्तर पर स्वच्छता के सिपाहियों के साथ स्थानीय लोगों को प्लास्टिक से दूर रहने की शपथ दिलाई जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान सिंगल यूज प्लास्टिक से पहुंचता है। आगरा नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। वार्ड स्तर पर स्वच्छता के सिपाहियों और स्थानीय लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। आगरा कैंट अटल चौक पर भी शपथ दिलाई गई और उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लोगों को बताया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने से इंसानी जिंदगी के साथ जीव जंतुओं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जिसमें कि भारत को प्लास्टिक मुक्त करना है, इसके लिए ये शपथ दिलाई गई थी। ये 5 दिन का प्रोग्राम है जिसमें 5 दिन तक कंटिन्यू शपथ दिलाई जाएगी। इसमें लोगों को यही बताया गया है कि लोग प्लास्टिक यूज ना करें, और कहीं भी जाते हैं मार्केट में तो उसकी जगह पे प्लास्टिक की जगह कोई पेपर बैग अथवा कोई अपना कोई थैला लेके जाएं, जिससे कि मार्केट में या भारत में प्लास्टिक नहीं आए। जी, हर वार्ड में चलाया जा रहा है, पूरे आगरा के अंदर चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और ये कंटिन्यू 5 दिन तक चलाया जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जनजीवन को किस हद तक प्रभावित कर रही है। तमाम सारी घातक बीमारियां सिंगल यूज प्लास्टिक के चलते पैदा हो रही, जमीन भी बेजान होती जा रही है। हम सभी का दायित्व बन जाता है अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित ही हम सबके लिए पर्यावरण बेहतर होगा। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।